अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मेरठ में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य साथी मौके से फरार हो गए। दरअसल ये बदमाश किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब इन्हें रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और 3 बदमाश घायल हो गए। आज हम लोग चेकिंग में थे, फिर सूचना मिली कि कुछ लोग वहां पर बैठे हुए डकैत प्लानिंग कर रहे हैं। उसी सूचना पर हम लोग गए, जैसे ही हम लोग गए वहां पर उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं और साथ साथ में उनके पास से बरामदगी भी हुई है, 2 तमंचा, 1 पिस्टल, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश लूट, हत्या और डकैती जैसे बड़े वारदातों में वांछित चल रहे थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन कर बदमाशों की तलाश कर रही है। न्यूज़ के लिए मेरठ से रजनीश चौहान की रिपोर्ट।